नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा नक्षत्रों पे चल रही है। नक्षत्र आकाश पथ पे वो आधार स्तंभ हैं जिन पे ग्रह संचरण करके अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हैं और नक्षत्र से एनर्जी लेके हमारे ऊपर असर करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 27 नक्षत्र ऐसे हैं जो जीवंत अवस्था में हैं। कहने के लिए तो 88 नक्षत्र हैं, लेकिन चूँकि चंद्रदेव इन्हीं 27 नक्षत्रों पर गोचर करता है, अतः इन्हीं का असर हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है। नक्षत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष में यदि आप काम करते हैं तो नक्षत्र के बिना आप कोई काम ही नहीं कर सकते। बच्चे ने जन्म लिया तो उसका नामांकन कैसे होगा यह नक्षत्र बताएगा। कौन सी महादशा कौन सी अंतरदशा होगी यह नक्षत्र बताएगा। बच्चे की कौन सी राशि होगी यह नक्षत्र बताएगा। इसलिए नक्षत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है, लेकिन नक्षत्र ही ज्योतिष के नेत्र हैं, इसलिए बात नक्षत्रों तक की। तो आज हम 9 नंबर के नक्षत्र की बात कर रहे हैं जिसका नाम है अश्लेषा। तो अश्लेषा नक्षत्र पे पूरा डिटेल में हम आपको समझाएंगे, वार्ता करेंगे, समझाने की अपेक्षा वार्ता करेंगे। हम कौन होते हैं आपको समझाने वाले, परमात्मा सबको समझाते हैं। यहाँ पे आपका व्यवहार कैसा होगा, कर्म क्षेत्र कैसा होगा, लव लाइफ कैसी होगी, आपकी धनात्मक दृष्टिकोण कैसे होगा, भाग्योदय की क्या बिंदु हैं, कर्मा क्षेत्र क्या है, व्यक्तित्व आपका कैसा है, किन चीज़ों को लेके पैदा हुए हो और भविष्य में क्या क्या करना है, ठीक है ना, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है, सच्चिदानंद तक बात करेंगे। तो वैदिक ज्योतिष में इसको देखें तो 146 अंश से लेके 120 अंश तक का जो क्षेत्र है उसको अश्लेषा के नाम से जाना जाता है। इसको अहि, भुजंग और आर्द्रा का अलतरफा भी कहा जाता है। इसका जो स्वरूप है ना, एक चक्र की भांति है। चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, इस नक्षत्र को आलिंगन का नक्षत्र कहते हैं। पकड़ लेना और जकड़ लेना इसकी शक्ति है। पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, ठीक है ना। यह नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है, आप प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो सर्प है। सर्प दरअसल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कुंडली में या आपके जीवन में सर्प बहुत महत्वपूर्ण है। सर्प हमारे एनर्जी को दर्शाते हैं, किसको, इंद्रियों को दर्शाते हैं। अभी हम इस पर आएंगे डिटेल में, तो आपको बताएंगे। इसका जो कुंडलनी का जो आकार है या कुंडलनी का जो कलर है वो काला सर्प है, लेकिन वैसे में ये लाल रंग का सर्प है, ठीक है ना। इसके देवता भी सर्प को ही कहा गया है। वृक्ष जो पौधा इसका है, नाग केसर कहलाता है। नाग केसर का पौधा इसके अंतर्गत आता है। 6 तारों का समूह है। 6 तारे चक्र के आकार में चलते हैं और इसको सर्वाधिक खौफनाक डरावना नक्षत्र कहा जाता है। शेषनाग जो कि शेष हैं, देखिए शेषनाग के सब शेषनाग के आगे लगा है शेष, और ये सृष्टि खत्म होने के बाद भी शेष रहते हैं, इसलिए इसका नाम, इनका नाम है शेषनाग। तो शेषनाग और वासुकी का जन्म नक्षत्र है ये। गांधारी का जन्म नक्षत्र ये है। राजा दशरथ का जन्म नक्षत्र है। यह अपराजितों को पराजित करने वाला है, कई भाषाओं को जानने वाला है। यह अपना किचुली या परिवर्तन करने वाला है। कलयुग का आरंभ भी इसी नक्षत्र में हुआ है। अब आप देख लीजिए, बलराम जी इसी नक्षत्र में आए और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी भी इसी नक्षत्र में आए। तो महत्वपूर्ण लोग भी इस नक्षत्र में आए हैं। यह नक्षत्र शक्ति का नक्षत्र है, और आप शक्ति का अगर उपयोग सही से नहीं कर सकते तो वह शक्ति फिर विनाशकारी हो जाती है। 6 तारे का एक पहिया आकार है, मतलब समय का द्योतक है, परिवर्तन का द्योतक है। भगवान श्री हरि के हाथ में चक्र है, भगवान इंद्र के हाथ में चक्र है, और भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र है। चक्र 3 ही जगह आपको दिखाई देगा, और ये लोग चक्र उठाते इसीलिए हैं कि परिवर्तन करने के लिए।
जब समय की मांग बढ़ती है तो परिवर्तन के लिए चक्र उठा के परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे यह परिवर्तन का नक्षत्र है, रूपांतरण का नक्षत्र है। थोड़े से हम बात करें इसके प्रतीक चिन्ह की, सर्प की। तो मैं आपको इतना डिटेल में बताऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। धैर्य के साथ सुनना, आपका अपना नक्षत्र है, आपके बच्चे का नक्षत्र, रिश्तेदारों का नक्षत्र है, तो यह वीडियो उनके पास जरूर भेजिएगा। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जकड़न से मुक्ति चाहते हो तो सब्सक्राइब करो भाई, ठीक। बुध का नक्षत्र है और बुद्धि ही आपकी जकड़न से मुक्ति देने वाली है। तो शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ, लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, इनकी जो दृष्टि होती है भेदक होती है। शास्त्रकार ये कहते हैं कि कोई बच्चा अगर श्लेषा में जन्म लिया, उसके सामने सर्प आ जाए तो सर्प अस्तंभित होकर खड़ा हो जाता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। मेरा अनुभव नहीं है, इसलिए सांप के सामने मत खड़े होइएगा, कि मैंने कहा आप जाके खड़े हो जाओ। इनकी बात काटना इनको बुरा लगता है, और शास्त्रकार ये तक कहते हैं कि ये जहर उगलते हैं। ऐसा है नहीं, कोई जहर नहीं उगलता, वाणी आपकी वीणा है, तुम आपके वाणी से मधु टपक रहा है, वाणी आपके वाण बन गए तो आपके वाणी से जहर टपक रहा है, बस इतनी सी सीधी सी बात है। आँख मूंद कर किसी भी विश्वास नहीं करते, ठीक, आँख खोल कर विश्वास करते हैं, तो अच्छी बात है। कृतज्ञ बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है ना। जीवन साथी इनको समझ नहीं पाते, आपका जीवन साथी समझ नहीं पाता। नशे की भावना होती है, चेहरा कहते हैं शास्त्रकार थोड़ा वर्गाकार होगा, मुखमंडल अत्यंत सुंदर होगा, हठीले होंगे, जिद्दी होंगे, पक्के मित्र होंगे, शब्दों के जादूगर होंगे। कर्क, अब देखिए, सॉरी, या हाँ, कर्क में चलने वाला नक्षत्र है और इसको मूल का नक्षत्र कहते हैं, मूल का नक्षत्र, ठीक है ना। अश्लेषा और मघा दो नक्षत्र मिलकर मूल की स्थिति क्रिएट करते हैं। तो मूल का नक्षत्र है और अश्लेषा में थोड़ा बंधन ज़्यादा, दबाव ज़्यादा, बिल्कुल ये लोग महसूस नहीं करना चाहते, दबाव लेना ही नहीं चाहते। यहाँ पे जो सर्प है ना, सर्प ऊर्जा रूपांतरण का है, सर्प एनर्जी का है। कभी आपने सोचा कि भगवान शिव के साथ सर्प क्यों है, भगवान विष्णु सर्प पे क्यों सोते हैं, भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी क्यों हैं, भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी क्यों हैं? कभी आपने विचार ही नहीं किया, क्योंकि व्हाट्सअप खेलने से आपको मौका मिले तब ना। ये बहुत गजब का इसमें साइंस है। देखिए, हमारी जो कुंडलनी है, कभी आपने बायोलॉजी पढ़ी हो तो हमारे 72,000 नाड़ियाँ जो हैं हमारे नाभि स्थल पे जाके एकत्रित होती हैं। यही ऊर्जा का आपका रूपांतरण है। जब आप योग में जाते हैं तो आपकी ऊर्जा नाभि से ऊपर उठना शुरू होती है और धीरे धीरे एक एक चक्रा को पार करते करते आपके सहस्र कमल दल चक्र तक पहुंचती है। यही एनर्जी जब आपकी नीचे गिरना शुरू करती है तो आप वासना में जाते हैं और एनर्जी को वेस्ट करते हैं, लेकिन वो भी तरीके से आप जाते हैं तो निर्माण का कार्य करते हैं। इसलिए यह जो नक्षत्र है, यह कुंडलनी जागरण का नक्षत्र है, इसको बहुत हल्के मत लीजिएगा। परमात्मा ने इस सृष्टि में कोई भी चीज़ हल्के में बनाई ही नहीं, उसका एक अलग सा विधान है, उस सिस्टम को आप नहीं समझ पाते, यह अलग बात है। तो यह ऊर्जा रूपांतरण का नक्षत्र है, यह परिवर्तन का नक्षत्र है, यह रचनात्मकता का नक्षत्र है, यह क्रियाशीलता का नक्षत्र है, यह नक्षत्र सृजन का है, कुंडलनी शक्ति को जागृत कर देने वाला नक्षत्र है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी हैं, कृष्ण के साथ बलराम जी हैं। अब थोड़ी सी और चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। शेषनाग, इसके देवता कौन है? शेषनाग, जो प्रकृति के खत्म हो, सृष्टि के खत्म होने के बाद भी जो शेष रहते हैं उनको शेषनाग कहते हैं। नॉर्मल हमारे आपके जीवन में क्या है कि एनर्जी लेवल हमारी नाभि स्तर पे रुकी हुई है, और जो देवता है ना, भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, इनकी एनर्जी सातवें चक्र पे है। तो सातवें चक्र पे एनर्जी को हम ना दर्शा के हम उनके गले में सर्प की माला डाल दिए। सर्प की माला डालने का सीधा सा मतलब है आपकी एनर्जी सक्रिय है, जब आप चाहोगे वो चीज़ें आप यूज़ करोगे। इसके पहले नक्षत्र में हम पढ़ रहे थे, पुष्य नक्षत्र में ब्रह्म वर्चस्व शक्ति थी। ब्रह्म वर्चस्व शक्ति का मतलब होता है कि अवतारी गुणों को धारण करना, लेकिन इस नक्षत्र में अगर आप हैं तो अवतारी गुण आपके अंदर विद्यमान है, उनको जागृत करना है। तो यह जो सर्प है ना, ये आपके कुंडलनी जागरण का प्रतीक है,
भगवान विष्णु की कुंडलनी जागृत है, भगवान शिव की कुंडलनी जागृत है, भगवान राम के साथ कुंडलनी स्वतः चल रही है, भगवान कृष्ण के साथ कुंडलनी स्वतः चल रही, इसका प्रतीक है। प्रतीक को पकड़िएगा। और जो सर्प की शक्ति है ना, ये सर्प में भी देखिए तो वासुकी, अनंत काल, कोरकट, तरह तरह के सर्प हैं, हजारों प्रजातियाँ हैं। तो इनकी जो शक्ति है ना, वो किसी के हराए नहीं हारती। इसको बोलते हैं अपराजितों को पराजित कर देने वाला नक्षत्र, बड़े बड़ों का मान मर्दन कर देने वाला नक्षत्र, ठीक है ना, ये वो नक्षत्र है। आपको एक छोटी सी कथा बताते हैं। चलो नहीं, आप बोलेंगे ऐसा कैसे है, भीष्म अपराजित थे, भीष्म को कोई पराजित नहीं कर सकता था। भगवान कृष्ण के बच्चे का अपहरण कर लिया इन लोगों ने, किसका, सांब का। अब सांब का अपहरण करने के बाद बलराम जी आए, बोले यार समझौता कर लो, बच्चा गलती हो गई। बोले नहीं, हम तो दंड देंगे। तो बलराम जी ने अपने हल के फल से यमुना जी को मोड़ा और बोला दिल्ली को बहा दूंगा, पूरे इंद्रप्रस्थ को बहा दूंगा, ठीक है ना, मतलब बोले कि पूरी आपकी संस्था ही खत्म हो जाएगी, पूरा का पूरा बहा दूंगा। बाद में जब यमुना का पानी दिल्ली में घुसना शुरू हुआ, हस्तिनापुर में घुसना शुरू हुआ, तब त्राहिमाम करके बोले नहीं, आप जो कहोगे वो शक्ति है। भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी बोलते हैं कंदुक यो ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुक के जैसे इस ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, आप बोलो भरतो महाराज, तो वो शक्ति है। इसलिए इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा। आकृति चक्र है, संख्या 5 है, यह नक्षत्र तीक्ष्णता को लेकर चलता है। अब इतनी सारी चीज़ें हैं तो गण आपको पता है राक्षस है, राक्षस मतलब रक्षा करना, जो स्टार्टिंग राक्षस की हुई ना, रक्षा से हुई है, रक्षा करने के लिए हुई, ये तो बाद में रावण जैसे लोग पैदा हुए और इसको धीरे से इस शब्द को ही बिगाड़ दिए। नाड़ी आदि है, जाति इसकी म्लेच्छ है, म्लेच्छ, म्लेच्छ का मतलब है एन के इन प्रकारेण हमारा काम होना चाहिए, थोड़े से बहुत साफ सुथरा ना रहना, कुछ भी काट के खा लेना, कैसा भी कर लेना, जिनको आजकल वो हम संज्ञा में लेते हैं जो हर धर्मों पे अपना आक्रमण करते हैं, म्लेच्छ में वही लोग आते हैं, तो म्लेच्छ हैं, इसीलिए प्रबल भी हैं, देख लीजिए प्रबल हैं, हर जगह वो इकट्ठे हो जाते हैं। दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा दक्षता की दिशा है, दक्षिण से ही दक्षता आई है और दक्षता से ही दक्षिणा आई है, तो दक्षता का है या एनर्जी लेवल को हाई करने का है। क्रूर है, क्रूर तब है जब आप इनकी बातों को नहीं मानोगे, आप अगर इनकी बातों को नहीं मानते तो ये क्रूरता के साथ पेश आते हैं, नहीं नॉर्मल। जब इस पे मंगल का राहु का प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा इस नक्षत्र पे, तब ये क्रूर होंगे। इस नक्षत्र में मंगल को नीचता मिल जाती है, पता है आपको, कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, लेकिन कर्क राशि में मंगल नीच का कहाँ होता है, तो अश्लेषा नक्षत्र वो नक्षत्र है जो मंगल जैसे सेनापति को घुटनों पिला देता है, इसीलिए मैं कहा ना अपराजितों को पराजित कर देने वाला नक्षत्र है ये। कैसे लाता है इसकी चर्चा हम अभी आपको बताएंगे। तो क्या क्या वर्क कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा काम इस पर भी होना चाहिए, नहीं आप बोलोगे कि लंबी वार्ता हो रही है। तो वर्क करने के लिए जो विष संबंधित जो भी कार्य कर सकते हैं, नशे से संबंधित जो भी काम आप कर सकते हैं, तो नशा से संबंधित आप काम करें, विष से संबंधित आप काम करें, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। नशे के संबंध में आप सरकार के तहत काम करने वाले हो सकते हैं, नार्को टेस्ट विभाग में आप जा सकते हैं, या छोटे मोटे नशा का दुकान आप कर लें, आपकी नज़र किधर है, असली ठेके की दुकान इधर है, जैसे जैसे करके आप कर सकते हैं, या बड़े लेवल पे आप नशे का कारोबार कर सकते हैं, आप नायक बन सकते हैं, आप राजनीतिक बन सकते हैं, क्योंकि राजनीति में ज़्यादातर प्रभाव ऐसे ही लोग आजकल सक्सेस हैं जो कहते कुछ आए और करते कुछ हैं। आप बहुत अच्छे क्वालिटी के तांत्रिक बन सकते हैं, ज्योतिष का बोर्ड लगाएंगे और बोर्ड के पीछे तंत्र का काम करेंगे, तो बहुत अच्छे आप तांत्रिक हो सकते हैं। अगर आपके ग्रह और आपको सपोर्ट किए, आपके अष्टमेश सपोर्ट किए, तो आप अच्छे मांत्रिक बनेंगे, अच्छे आध्यात्म को जानने वाले बनेंगे, संपन्न, शक्ति संपन्न है, आध्यात्म की शक्ति आपके पास है, और शास्त्रकार कहते हैं कि आप शक्ति संपन्न रहेंगे, शक्ति संपन्नता आपके अंदर डेफिनेटली रहेगी। थोड़े से चूंकि आप कटुभाषी हैं,
बोलने में आप चतुर हैं तो आप अच्छे वकील हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अच्छे वकील हो सकते हैं। आप दो लोगों के बीच समझौता कराने वाले हो सकते हैं। भेद लेने वाले आप हो सकते हैं, मतलब गुप्तचर विभाग में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। गुप्तचर विभाग आपके लिए ही बना हुआ है। मनोरंजन के कार्य जितने भी हैं उसमें आप सहभागिता निभाएंगे। क्यों निभाएंगे? क्योंकि यह नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। स्वामी इसके कौन है? बुध देवता हैं, तो बुध के नक्षत्र होने की वजह से आप सहभागिता निभाएंगे। बुध मतलब बच्चा। एक पॉइंट आपको यहाँ क्लियर करता चलता हूँ, बुध के तीन नक्षत्र हैं। यह बुध का प्रथम नक्षत्र है। बुध मतलब बच्चा। बच्चा किसी चीज़ को पकड़ के रखता है। बच्चे को बचपन में आप उससे कोई खिलौना मांगो ना, वो देगा नहीं, रोना शुरू कर देगा, लड़ेगा, देगा नहीं। जैसे जैसे बड़प्पन आना शुरू होता है ना, चीज़ें धीरे 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 बदलना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे बुध चीज़ों को बांधता है, चीज़ों को पकड़ता है। मंगल यहाँ पे आके नीच का कैसे हो जाता है? भाई सेनापति आया घर में, बोला नहीं अभी हमें युद्ध के लिए जाना है, माँ को प्रणाम किया, अश्लेषा को प्रणाम किया, घर में जो ज़रूरी चीज़ें थी खान पान के लिए, जैसे निकला वैसे छोटा बच्चा आके पैर पकड़ लेगा, पापा मत जाओ। अब आप कितने भी बड़े महारथी हैं महाराज, आपका बच्चा अगर आपके आपके पैर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, पापा मत जाओ, फिर आपकी जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इसलिए मंगल अपने कर्तव्य को भूल के यहाँ पे बच्चों के साथ समय बिताना शुरू कर देता है। इसलिए उसको नीचता शब्द से संबोधित किया गया है कि अपने जिम्मेदारी से अलग हो गया। ये उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मतलब आप यहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादा शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप उनके अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। ये इसका एग्जैक्ट पॉइंट है, आप इसको लगा के देख लीजिएगा। अगर बातें ठीक नहीं बनेगी तो बताइएगा। ज्योतिष बहुत सरल है, बस आवश्यकता है उसको अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में उतार कर समझने की। तो ऐसे लोग जलप्रिय हैं तो जल से संबंधित काम कर सकते हैं। शास्त्रकार कहते हैं मनोरंजन का काम कर सकते हैं। थोड़े से आप धूर्त हैं, थोड़े कपटी हैं, ऐसा नहीं है। धूर्त कपटी शब्द किसी के लिए प्रयोग नहीं करना है। वो तो वस्तु स्थिति के अनुसार व्यक्ति ऐसा काम करता है। पितृ सुख में कमी आती है, ये चीज़ें डेफिनेटली आती हैं कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पितृ सुख में या मातृ सुख में कमी, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं। उसका कारण अभी आगे चलेंगे तो पता चलेगा। अश्लेषा चूँकि मूल नक्षत्र है, इसलिए आप लोग मूल चीज़ों से जुड़े रहते हैं, और आपकी जो शक्ति है उसका नाम है विश्लेषणा शक्ति। शास्त्रकार कहते हैं, शास्त्रकार नहीं, सामान्य अर्थों में विश्लेषणा का मतलब होता है जहर उगलना। मतलब आप जहर उगलने के लिए बने हुए, और जहर उगलना कोई शक्ति तो है नहीं। लेकिन आप जहर को भी दो अर्थों में लीजिए। जहर क्या है? एक जो जीवन को नष्ट कर देता है, एक जहर जिसको डॉक्टर संभाल लेता है और उसको आपको मृत्यु तुल्य कष्ट से बचा लेता है। और यही जहर जब आप इकट्ठा कर लेते हैं तो जहर मणि बन जाता है, और सर्प मणि हजारों में एक की होती है। और इस यह मणि जो है ना जीवन देने का काम करती है। कथा आपको पता है, अर्जुन का जब वध हुआ उनके पुत्र के द्वारा ही, तब अर्जुन को बचाने के लिए फिर सर्प मणि का सहारा लेना पड़ा, और सर्प मणि के द्वारा अर्जुन का कटा हुआ सर उनके धड़ से जोड़ा गया। ये इस नक्षत्र की खासियत है, इस नक्षत्र की ताकत है, ठीक है ना। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा, एक लाइन में जहर उगलने वाला नक्षत्र है, नहीं। इस नक्षत्र में आप अच्छे नशा से रिलेटेड वर्क जो भी हैं संसार में आप सब कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तंबाकू का काम हो गया, सिगरेट का काम हो गया, आप बड़ी कंपनी लगा सकते हैं। दारू का, बड़ी बड़ी कंपनी जो चल रही है उनके ऊपर नक्षत्र का प्रभाव है। आप अच्छे योग शिक्षक हो सकते हैं, आप अच्छे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हो सकते हैं, आप साहित्य कला व पर्यटन से जुड़े कार्य कर सकते हैं, पत्रकारिता लेखन का काम कर सकते हैं। खासकर आजकल जो टीवी पे डिबेट आ रहा है वो डिबेट आप कर सकते हैं। आप वकील होंगे तो लोगों के ऐसे कपड़े उतारेंगे कि जज भी बोलेगा नहीं नहीं यार बस करो, इसी के ऊपर निर्णय दे दो, ठीक। शेषनाग, शेषनाग पे दो पॉइंट और आपको बताते चलो। शेषनाग के सहस्त्र मुख हैं, हजारों मुख हैं, और हजारों मुख से ये श्री हरि का नाम का स्मरण करते हैं, और इनको श्री हरि का नाम का स्मरण करना बहुत अच्छा लगता है। अतः अब आपकी एनर्जी यदि परमात्मा के श्री चरणों में जाती है तब आपकी शक्ति जो है अनंत है, आप शेष हैं, आपकी शक्तियाँ शेष हैं, आप मर नहीं सकते।
अमर हो सकते हैं। पॉइंट को समझिएगा, देखिए ज्योतिष पैसा कमाने का विषय नहीं है, ज्योतिष दरअसल मुक्त हो जाने का विषय है। पैसा तो दोस्तों ठेलिया लगाओ उससे भी कमा सकते हो, आप कुछ भी बेचना शुरू करो पैसे तो कमा लोगे, लेकिन मुक्त तो आप कुछ भी करके नहीं हो सकते। मुक्त होने का एक सिस्टम है, उसी के तहत आप मुक्ति प्राप्त करोगे। तो मैं आपको धीरे से उस सिस्टम में ला रहा हूँ। तो सृष्टि के बाद भी रहते हैं इसीलिए इनका नाम शेष है, मतलब बाद में भी रहेंगे। ठीक, इनके कश्यप माता पिता हैं और नाग लक्ष्मी इनकी पत्नी है। कौन है? नाग लक्ष्मी इनकी पत्नी है। बुरी शक्तियों के नाश के लिए ये सदैव श्री हरि के साथ रहते हैं, इसीलिए त्रेता काल में भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी हैं, द्वापर काल में भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी हैं, क्योंकि ये बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए आते हैं। ठीक, अब इस नक्षत्र में आप आए हैं तो क्या और कमियां आपके अंदर होगी, क्या परेशानियां होंगी? तो तंत्रिका संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं, जलोदर, पीलिया, हिस्टीरिया, अपच, जोड़ों का दर्द, अगर इस नक्षत्र पे पाप प्रभाव आया तो। वास्तव में यह नक्षत्र, इस नक्षत्र का जो वाहन है ना, उल्लू और चातक को कहा गया है। उल्लू और चातक, उल्लू वो जो अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को समझ ले, और इस नक्षत्र को वर्षा का नक्षत्र कहा गया है। इतनी वर्षा होती है कि जमीन की प्यास बुझ जाती है। आर्द्रा के बाद इस नक्षत्र में आते आते अश्लेषा तक इतनी वर्षा होती है कि पृथ्वी की प्यास बुझ जाती है, और सर्प अपने बिल से निकल के धराधाम पे टहलना शुरू कर देते हैं। और इस नक्षत्र में जो चातक, कभी उसकी प्यास नहीं बुझती, उसकी प्यास इसी नक्षत्र पे आके बुझती है। वर्षा के जो 9 नक्षत्र हैं उनमें से यह प्रमुख नक्षत्र है। ठीक, इसके लिए मंत्र कौन सा आप प्रयोग करें जिससे आपको आराम मिले? तो शास्त्रकार कहते हैं कि ओम नमस्ते सर्पेभ्यो, एकेचे पृथ्वी मनु, ये अंतरिक्षे, ये दिवतेभ्यो सर्पेभ्यो नमः। इसका आप 1000 बार, 10000 बार आप अगर जाप करते हैं, या एक माला प्रतिदिन आप जाप करते हैं, इसके देवी जो मनसा देवी हैं उनकी आराधना करते हैं, या भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, शांताकारम भुजग शयनम, भुजक पे सोने वाले हैं, सर्प पे सोने वाले हैं, और सर्प पे सोना कोई नॉर्मल बात नहीं है, तो भगवान विष्णु की आराधना उपासना करना श्रेष्ठ परिणाम देगी। हाँ, देखिए अब आप इस नक्षत्र में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो नक्षत्र में कानूनी कार्य आप कर सकते हैं, तोड़ने का जो भी काम है वो कर सकते हैं, शुभ कार्य करने के लिए शास्त्रकार मना करते हैं। इस नक्षत्र की एक बहुत खास बात है, वो खास बात देखिए विश्लेषणा शक्ति पे आके हम लोग फंस जाते हैं कि ये जहर उगलते हैं, ऐसा नहीं है। आभासी क्षमता बहुत गजब की होती है। अब इस नक्षत्र में चंद्रदेव बैठे हों, इसी नक्षत्र में राहु बैठ जाए, या आपके कुंडली में सेकंड हाउस में इसका प्रभाव आ जाए, राहु बैठ जाए, फिर क्या बात है। आभास इतना तगड़ा हो गया कि आप परमात्मा के सिस्टम को जान सकते हो। मित्र, आप जो कुछ बोलोगे वो हो जाएगा। ऐसे लोगों को शास्त्रकार कहते हैं, शास्त्रकार नहीं कहते, लोग कहते हैं इनकी वाणी काली है, इनकी जीवा काली है, जो बोलते हैं हो जाते हैं। दरअसल वो इसलिए बोलते हैं कि उन्हें आभास हो जाता है। आप कभी जंगल में निकल के देखिए, कहीं अगर आस पड़ोस में सर्प है ना, तो आपके पदचाप से सर्प को पहले आभास हो जाएगा, वो खड़ा होकर दूर से देखना शुरू करेगा कौन आ रहा है। तो यह नक्षत्र आभासी नक्षत्र है, आभास करा देता है, बोलता है नहीं कोई ना कोई परेशान करने वाला है। दूसरा, सर्प को ही लीजिए ना, तो सर्प प्रतिवर्ष किचली बदलता है, तो यह नक्षत्र परिवर्तन का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में परिवर्तन है, ऐसा नहीं कि एक रूप में ही रहेंगे, आवश्यकता पड़ने पे अपना परिवर्तन कर लेंगे, तो परिवर्तन का नक्षत्र है। कार्यों में CBI के काम जितने भी हैं, रा विभाग से जितने काम है, मेडिकल का काम है, मेडिकल में जो ड्रग्स का काम होता है, आप बेहोश होते हैं तो उसमें ड्रग्स आपको दिया जाता है, वो सारा काम अश्लेषा नक्षत्र वाले बिंदास होके करते हैं, बेधड़क होके करते हैं। सर्पों को पकड़ना, सर्पों को खिलाना, जो गांव में मदारी टाइप लोग करते हैं उनको मदारी कहते हैं, वो सर्प विशेषज्ञ होते हैं। एक्चुअली हम लोग उनके लिए बड़ा हल्का शब्द प्रयोग कर देते हैं, मदारी है नहीं, सर्प विशेषज्ञ हैं वो। आपके यहाँ सर्प कहाँ छुपा, तुरंत पकड़ लेंगे, हमारी आपकी हिम्मत नहीं काम करेगी। तो
टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं आप, सेल्समैन बन सकते हैं, चूना विक्रेता हो सकते हैं, चूना लगाने का काम भी कर सकते हैं, चूना खिलाने का भी काम कर सकते हैं। आप अच्छी क्वालिटी के दलाल बन सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में ब्रोकर बोलते हैं। दलाल बोलना थोड़ा बुरा लगता है, ब्रोकर बोलो अच्छा लगेगा। ठेकेदार हो सकते हैं, फुटपाती ज्योतिषी बन सकते हैं, जो लोग वो तोता मैना को रख के ज्योतिष का काम करते हैं ना, ये कार्ड उठाओ और अपना भाग्यांक जानो, उस तरह के आप ज्योतिषी बन सकते हैं। आप नर्स हो सकते हैं और कपड़ा से रिलेटेड आप सारे काम कर सकते हैं। स्वभाव अगर देखें तो स्वभाव के तौर पे जो विपरीत के प्रति आकर्षण है, झुकाव है, वो सहज होता है, इस सब के साथ होता है। थोड़ा सा आप प्रेम में छल कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ बताऊँ आपको, चातक एक ऐसा पंछी है जो अपने मित्र को खोने के बाद सर पटक के मर जाता है। यही घटना नाग के साथ कही जाती है कि नाग और नागिन अगर उसमें से एक बिछड़ गए तो दूसरा सर पटक के मर जाएगा। तो अगर आपको सही जोड़ीदार मिल गया ना, तो आप सर पटक दोगे दूसरे, उसके लिए दूसरे का सर काट भी लोगे, और सही जोड़ीदार नहीं मिला तो विरक्ति आ जाएगी। अब पॉइंट ये है कि सही पॉइंट मिलने की, अगर सही पॉइंट मिलेगा तो धीरे धीरे चक्र आपके जागृत होंगे और धीरे धीरे चक्रों को उठाते हुए आप आगे निकल जाएंगे। अगर एनर्जी सही से क्रिएट नहीं हुई तो फिर क्या होगा, चिनगारी बहुत होगी। तार को जोड़ते हैं ना, सही से जोड़ दीजिए, फटाफट वायर, वैसे वायर जुड़ गया, धारा प्रवाह से निकलेगी, नहीं जुड़ा है चिनगारी फेंकती रहेगी, बस यही पॉइंट पकड़ के चलिएगा। तो अपराध प्रवृत्ति शास्त्रकार कहते हैं कि हो जाते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं और कई भाषाओं के जानकार होते हैं। केतु कई भाषाएं आपको सिखाता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रदेव भी आपको कई भाषाएं सिखाते हैं। स्त्री हैं तो शास्त्रकार कहते हैं चंचला हैं, कठोर हैं, स्वभाव आपका फैशन परस्त है, और आजकल सबका फैशन परस्त है, वादा तोड़ देने वाली हैं, ज़िद्दी हैं, कलह युक्त है, कुसंगत का ज्वर भयानक पड़ेगा। घर में बड़े हो सकते हैं, दशरथ जी अश्लेषा में पैदा हुए थे, अतः संतान संबंधी इस नक्षत्र में परेशानी आती है, ठीक है ना। दशरथ जी इस नक्षत्र में पैदा हुए और दिलीप महाराज इस नक्षत्र में पैदा हुए थे, ठीक, उनको संतान संबंधी प्रॉब्लम आई। गंधारी इस नक्षत्र में पैदा हुई थी तो उनको संतान तो होगी, लेकिन शल्य क्रिया या शल्य चिकित्सा के बाद, पॉइंट क्या आता है, शल्य चिकित्सा के बाद संतान होती है, संतान होगी। अब इसमें चार चरणों में जाएंगे ना तो थोड़ा सा अलग सा आएगा। मोटा मोटा सब सांभर तो नहीं बन गया, इतना चीज़ इकट्ठा बता दिया, हो सकता है सांभर बन गया हो। तो कार्य व्यवसाय आप राह विभाग में काम कर सकते हैं, नशा का काम कर सकते हैं, जितने भी नशे से चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। कहीं कहीं ये पढ़ने को मिला कि यहाँ के लोग आतंकवादी बन जाते हैं, यहाँ के लोग तोड़ फोड़ करने वाले होते हैं, यहाँ के लोग विध्वंसक होते हैं, ऐसा सिर्फ चंद्रमा को देख के मत कहिएगा। अब इस नक्षत्र पे मंगल का प्रभाव पड़ जाए, राहु का प्रभाव पड़ जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अगर कोई माइंड वॉश करने वाला मिल जाता है तो हज़ारों को उड़ा सकते हैं। फिर ये प्लेन लेके अमेरिका के जो शहर में घुस जाने वाले लोग हैं वही लोग होते हैं ये, बस इनका सही से माइंड वॉश करना है। सही से अगर माइंड वॉश आपने कर दिया तो इस तरह की स्थितियाँ क्रिएट कर देते हैं। राहु यहाँ पर आ जाए, मंगल यहाँ पर आ जाए, राहु मंगल की युति बन जाए तो विध्वंसात्मक हो सकते हैं, शेष हर जगह नहीं है। इस नक्षत्र की एक जो स्थिति बनती है ना, जकड़ लेना, ये जो जकड़ लेना होता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब आपका जीवन साथी है, आप उसके पीछे पीछे लगे हो, वो किचन रूम में है पीछे हो, वो कहीं पूजा में जा रहा है आप पीछे पीछे लग गए, वो बाथरूम में जा रहा है पीछे पीछे लग, किसी को आप पकड़ के देखो ना, आलिंगन करके देखो, 45 सेकेंड, 1 मिनट बहुत है, आप 10 मिनट पकड़े ही रहो। मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, फेविकोल का जोड़ हूँ भाई, अगला आदमी 5 मिनट 10 मिनट देखेगा फिर आपको धक्का मारेगा, धक्का मार के भगा देगा, बोलेगा पागल है ये। तो यहाँ का जो प्रेम होता है ना, वो थोड़ा सा अपने आप में जकड़ के रखना चाहता है, वो आपको बाहर जाने ही नहीं देना चाहता, इसलिए इस नक्षत्र में दाम्पत्य जीवन संबंधी कुछ परेशानियाँ आती हैं। जो रुझान है, जो प्रेम है, वो प्रेम में कमी आती है। इस नक्षत्र में संतान संबंधी भी प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है उसका कारण हम आपको बता देते हैं। देखिए, आपका अश्लेषा नक्षत्र में आपने जन्म लिया, इसका मतलब आपकी कर्क राशि हो गई। अब कर्क राशि होने के पश्चात, आपकी कर्क राशि हो गई तो कर्क राशि के बाद आपके जो पंचम भाव की स्थिति बनेगी, ठीक है, पांचवें घर की स्थिति बनेगी, तो पांचवें घर में आपके
वृश्चिक राशि आएगी। अब वृश्चिक राशि में अनुराधा है, वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा है, वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र है। अब यहाँ के अगर स्वामी कमजोर हुए तो संतान संबंधी आपको प्रॉब्लम आएगी, मतलब शनि कमजोर हुआ, बुध कमजोर हुआ तो संतान संबंधी प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली आएगी, शेष नहीं आएगी। इसके जो चार चरण है, प्रथम चरण कर्क में ही चलेंगे, धनु नवांश में चलेंगे। तो धनु नवांश आने की वजह से अब आपके धनु नवांश आ कहाँ रहे हैं, तो धनु नवांश कष्टम भाव में आ रहे हैं, तो धनु नवांश में शल्य क्रिया करने के पश्चात संतान होगी। आप धनु नवांश में पैदा हुए हैं तो आपका कर्म व्यवसाय क्या होगा, तो आप यहाँ पे टीचर हो सकते हैं, फुटपाथी या जेसी ज्योतिषी हो सकते हैं, आप बैंक में काम करने वाले हो सकते हैं, ऋण वसूल करने वाले हो सकते हैं, जो बैंक वाले लगा देते हैं ना ऋण वसूल करके लाओ, उस तरह के ऋण वसूल करने वाले आप हो सकते हैं। वहीं द्वितीय चरण में जाएंगे तो मकर नवांश मिलेगा। मकर नवांश कर्क राशि के अनुसार आए तो मकर नवांश आपका व्यापार का है, तो यहाँ पे आप व्यापार अच्छा करेंगे, आप थोड़े से लालची हो सकते हैं, आप खेती बाड़ी काम करने वाले हैं या जो अन्न बेचने का काम है, अन्न का काम करते हैं, अन्न का वितरण का काम करते हैं, उस तरह की सारी चीज़ें आप करते हुए दिखाई देंगे। तृतीय चरण में आप जाएंगे तो कुंभ नवांश मिलेगा। कुंभ मतलब शनि का श्रेष्ठ नवांश, तो कुंभ मतलब आपके अंदर धैर्य रहेगा, गुप्त तरीके से काम करने की जो क्षमता है ना आपके अंदर बहुत है, आप हो क्या ये लोगों को पता ही नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा कि आप दरअसल हैं क्या, ठीक है ना, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इस तरह की स्थितियाँ इस नक्षत्र पे, इस नवांश पे बनती हैं। आपके लिए जो पिता के लिए हानिकारक कहा गया है ना, वो कुंभ नवांश में अगर आप जन्म लेते हैं तब पिता के लिए आप हानिकारक होते हैं। आपकी कुंडली में और अगर वार्ता करें कि आपका जीवन साथी से संबंध कैसा होगा, जीवन साथी कैसा होगा, तो देखिए जीवन साथी से संबंध बेहतर होगा। मैं पहले ही लाइन में बोला कि चूँकि आप चातक का स्वभाव लेके पैदा हुए हैं, कौन सा स्वभाव लेके पैदा हुए हैं, चातक का, तो चातक का स्वभाव लेके पैदा होने के कारण, ठीक, अब आपके जीवन में या चातक वाला प्रभाव रहेगा, नाग नागिन अगर अलग होते हैं तो एक दूसरे से अलग होकर फिर मर जाते हैं, जी नहीं पाते। अपने मित्र के लिए, अपने जीवन साथी के लिए आप किसी से लड़ सकते हैं, अपने लड़ाई लड़े या ना लड़े। तो आपने जन्म लिया अश्लेषा नक्षत्र में, तो अश्लेषा नक्षत्र के बाद आपका जो जीवन साथी होगा वो कहाँ जाएगा, मकर में जाएगा। मकर का मतलब आपका उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा, कहाँ पे जाएगा, धनिष्ठा में जाएगा। तो धनिष्ठा का तात्पर्य है कि वो शक्तिशाली होगा, वो भी शक्तिशाली होगा, वो भी जिद्दी होगा, ठीक है ना। आपके पास बुध की शक्ति है बांध लेने की, तो अगले के पास शक्ति है तोड़ देने की। धनिष्ठा बहुत पावरफुल होता है, तो जीवन साथी भी पावरफुल होगा, और दो दो शक्तियाँ एक साथ जब चलती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। भाग्य की बात करें कि आपका भाग्यांक कैसा रहेगा, भाग्य कितना सपोर्ट करेगा, तो डेफिनेटली मित्र अगर आपका गुरु अच्छा है तो आपके भाग्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 वर्ष के पश्चात, 24 से 28 वर्ष के बीच आपका भाग्योदय हो जाएगा। अब आपके जीवन में जो परिवर्तन लाना है, परिवर्तन ये लाना है कि आप थोड़े तुनक मिजाजी हैं, थोड़े आप जल्दबाज हैं, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, दरअसल आप जानते तो हैं लेकिन अपनी एनर्जी को सही दिशा और दशा देने की आवश्यकता है, सही दिशा और दशा देने की आवश्यकता। अगर आप सही दिशा और सही दशा देते हैं तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल आएंगी, अगर नहीं देते हैं तो परिस्थितियाँ आपके विपरीत चली जाएंगी। अब आप अश्लेषा में पैदा हुए तो अश्लेषा के साथ साथ आपको कुंडली में मूल नक्षत्र के जो कर्मा हैं, किसके मूल नक्षत्र के जो कर्मा हैं, मूल नक्षत्र के कर्मा को लेकर चलना होगा, ठीक। नहीं, आपको दरअसल मित्र कुंडली में 9 नंबर ज्येष्ठा और मूला दोनों को पकड़ना पड़ेगा। आपको प्रयास आपके भाग्योदय के लिए ज्येष्ठा की उपासना, ज्येष्ठा के मंत्र का जाप करने से आपका भाग्योदय होगा, वहीं मूला के कर्मों को आप पकड़ेंगे तो आपका कर्म क्षेत्र में विकास होगा, ठीक। आपके कुंडली में आपका जो जीवन साथी है मंगल का प्रभाव लेके आ रहा है, अतः अब आपके कुंडली में मंगल अत्यंत श्रेष्ठ और निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे। अगर मंगल अच्छे हैं तब आपका सब कुछ मंगल मंगल है, मंगल अच्छे नहीं है तब फिर आपकी क्रियाशीलता दबेगी। पॉइंट याद रखिएगा, शक्तिशाली है, शक्ति की कोई कमी नहीं है, बलराम वाली शक्ति है, लक्ष्मण जी वाली शक्ति है, बस उसको आपको एक राम चाहिए, आपको एक कृष्ण चाहिए जो आपको सही दिशा और दशा दे सके, जो आपकी एनर्जी को सही रास्ता प्रदान कर सके, वो व्यक्ति आप खोज लीजिए, वो
भगवान कृष्ण खोज लीजिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम खोज लीजिए, या अपने को भगवान श्री हरि के आश्रय में डाल दीजिए, या भगवान शिव के कंठ का हार बन जाइए, आप सदा सदा के लिए पूजित हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप दूसरों के घर में निकल के देखिए, लोग डंडा लेके आपको दौड़ाएंगे, ठीक है ना। तो यह नक्षत्र शक्ति जागरण का है, यह नक्षत्र कुंडलिनी जागरण का है, जो कुंडलिनी आपकी नाभि के पास रुकी है 72,000 नाड़ियों को लेके, वह स्पंदित होकर धीरे से ऊपर की ओर उठ रही है। क्योंकि यह नक्षत्र मूल नक्षत्र है, अतः आपका बच्चा अश्लेषा में पैदा हुआ है, तो कोशिश करें कि उसको समझाएं, ना कि उसके ऊपर दबाव बनाएं। अगर आप दबाव बनाओगे, ये जो भी मूल नक्षत्र के लोग हैं, गंड मूल नक्षत्र के लोग हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि इनके ऊपर दबाव या प्रेशर बनाया जाए। अगर आप प्रेशर बनाते हैं ना, छिटक जाएंगे, घर से भाग जाएंगे। आप इनको स्वतंत्र कर दो, क्योंकि स्वतंत्रता इनके जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। इनको लगता है कि बंधे बंधे, और बंधन में विकास नहीं होता। सर्प की पूजा करना, मनसा देवी की पूजा करना, शांताकारम भुजग शयनम, भगवान विष्णु की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ फल देगी। भगवान विष्णु की आराधना करते रहिए, राधे राधे करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।